आरएसएस ने मोदी नाम के एक आदमी को इलेक्शन जिताने की मशीन बना दिया। उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, उनको प्रशासन नहीं आता है, अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती है, कानून व्यवस्था नहीं समझ में आती है, तो ये देश की दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है। ये खाली बच्चों को समझ में आ जाए, मोदी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको विरोध भी नहीं किया जा सकता और जिसको डिफीट भी नहीं किया जा सकता। इस देश में इंदिरा जी से लेके हर एक को हराया है जनता ने, और जिस देश का इम्पोर्ट 60% हो गया उसको दिवाला होने में कितना समय लगेगा। हम दिवालियों की तरफ बढ़ रहे, दिवाला होने की तरफ बढ़ रहा है देश, और हम दावे कर रहे खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, मेक इंडिया, स्किल इंडिया, स्केल इंडिया। ये मुंह जबानी जो सर्कस चल रही है उस सर्कस पे बोलना पड़ेगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम मंडे में खास तौर पर अविनाश काकड़े जी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो इस वक्त महाराष्ट्र के एनसीपी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। किसान सेवा संघ के प्रेसिडेंट हैं, लंबे अरसे से समाज सेवा में लगे हुए हैं और भी बहुत से आपने काम किए हैं समाज के लिए। आज जरा चूंकि काकड़े जी रास्ते में हैं, शाम के नज़दीक हमारी बात हो रही है, इसलिए लंबी बात नहीं कर सकता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना एक YouTube चैनल है जिस पर वो हिंदुत्व और हिंदू उस पर एक बहस कर रहे हैं। छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो मोदी जी ने कुछ वादे किए थे देश की इकोनॉमी को सुधारने के, आंकड़े बिल्कुल उसके उलट जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। कुणाल कामरा जो स्टैंड अप कॉमेडी जिसे कहा जाता है, उसके आर्टिस्ट हैं, उन पर एक पाबंदी लगी थी, आपको याद होगा। अर्णब गोस्वामी से एक फ्लाइट के दौरान कुछ सवाल किया था, उसके बाद जाहिर है अर्णब गोस्वामी के पीछे जो सरकार है उसे वो सब अच्छा नहीं लगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और एक नागपुर में 108वीं साइंस कांग्रेस हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है, क्योंकि आप खुद नागपुर में रहते हैं इसलिए उस पर जरूर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, रास्ते में रहते हुए भी आप इस वक्त नागपुर और मुंबई के बीच कहीं हाईवे पर रुक करके हमारे साथ बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि क्या कुछ है, मोदी जी से आपको शिकायत क्या है, ये बताइए। ये मुझे नहीं, देश को शिकायत है। आपके चैनल में कोई बोल रहा था कि ये मोदी का आदमी है, मोदी का ही नाम लेते रहता है। भैया अच्छा। जिसकी सरकार है उसका तो नाम लेना पड़ेगा ना यार, गलत अगर किया है तो। अब मोदी जी ने बोला था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी 2023 में, वो किसी दूसरे के नाम से, नेहरू के नाम से तो बोल नहीं सकता मैं। तो मोदी जी ने बोला था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, फिर अमित शाह जी ने बोला कि नहीं नहीं 23 तक नहीं 24 तक हो जाएगी, फिर गडकरी जी ने बोला कि 25 तक हो जाएगी 2025 तक, फिर सरकारी अधिकारी बीच बीच में आते रहे कि 2026-27 तक हो जाएगी। अब डी सुब्बा राव करके है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, वो बोलते हैं कि 28-29 तक हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, मगर उसके लिए GDP 9% GDP से ग्रोथ होनी चाहिए हर साल। मतलब 28-29 तक हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 23 से लेके, तो 28-29 तक 9% से अगर उतनी ग्रोथ होती है तो वो बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हरदीप पुरी नाम के एक मंत्री है, वो बोले कि नहीं नहीं 10 ट्रिलियन की 2030 में कर देंगे हम। उसके बाद में गौतम अडानी को पीछे रहना नहीं था, वो तो आगे आ गए क्योंकि देश के वो तो खजानजी है, सब कुछ गौतम अडानी है। उन्होंने बोला कि 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी मैं कर दूंगा 2042 तक। अब उसके बाद में वो भी अगर बोले तो विवेक देवराय कैसे चुप रहेंगे, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, उन्होंने बोल दिया कि 2047 तक 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। अब किस पे विश्वास रखे, किस बात पे विश्वास रखे। और फिर कोई बोलेगा कि मोदी पर ही बात करते हैं, भैया जिसकी सरकार होती उस पर बात करते हैं, नेहरू की सरकार होती है तो नेहरू जी पे बात करते हैं, और किसी की सरकार होती, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी पर बात होती थी, जिसकी सरकार होगी उसी से बात होगी। ये अगर जिसको नहीं समझता, अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि 2056 तक 56 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, ये मेरा दावा है सर।
और किसी का दावे पर मैं विश्वास नहीं करता, मगर 2056 तक 56 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी देश की बनने का चांसेस है, क्योंकि 56 का बोलबाला है देश में। अब आप देखिए, ये जो दावे करते हैं कि डबल इंजन की सरकार ला दो, हम विकास बहुत कर देंगे, नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, घर दे देंगे। अब घर इन्होंने बोला था 2022 तक सबका पक्का घर होगा, नरेंद्र मोदी जी का भाषण है। उसके बाद में शहरी जो पलायन है, गांव से शहर में पलायन, वो रुक जाएगा। अभी ये बोल रहे हैं कि 2030 तक शहरी पलायन 60 करोड़ हो जाएगा, मतलब शहर 60 करोड़ में बच जाएगी, बाकी के गांव में बसे जाएंगे लोग, क्योंकि उनके पास में शहर में जगह नहीं है। इन्होंने कहा था कि 2023 तक 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी, स्मार्ट सिटी 100 करेंगे, मुझे तो कहीं एक भी दिखाई नहीं दे रही है। जहां भी मैं जाता हूँ खंडर दिखाई देते हैं, तोड़फोड़ हो रही है। 8 साल हो गए स्मार्ट सिटी के नाम से, सब जगह तोड़ा जा रहा है, जो पक्के मकान थे उसको भी तोड़ा जा रहा है। तो ये स्मार्ट सिटी बनाने का तरीका मुझे नहीं समझ में आता है। 2022 तक कश्मीरी पंडितों को हम बसा देंगे, अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था। अब ये पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, बाहर भी झूठ बोलते हैं, हर जगह झूठ बोलते हैं। और फिर इनके ऊपर अगर कटाक्ष किया तो भक्त लोग आके बोलते हैं कि आप मोदी पे कटाक्ष करते हो, मोदी पे बोलते हो। भैया मोदी की सरकार है तो हम जाके लंदन के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, अमेरिका के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, या रशिया के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते, मोदी जी को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि दावे उन्होंने किए थे। इन्होंने बोला था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आपको पता है जीएसटी हमारा कम हो रहा है कलेक्शन, और IGST इंटरनेशनल GST बढ़ रहा है, मतलब इम्पोर्ट हमारा 60% हो गया सर। और जिस देश का इम्पोर्ट 60% हो गया, उसको दिवाला होने में कितना समय लगेगा। हम दिवालियों की तरफ बढ़ रहे, दिवाला होने की तरफ बढ़ रहा है देश, और हम दावे कर रहे खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, मेक इंडिया, स्किल इंडिया, स्केल इंडिया। ये मुंह जबानी जो सर्कस चल रही है, उस सर्कस पे बोलना पड़ेगा। मुझे समझ में आता है कि इस पे अगर नहीं बोलोगे तो आप अपने देश से और अपने स्वयं से बेईमानी करोगे। आपको पता है कि ये 3 सालों में 218% गोल्ड लोन बढ़ गया, मिडिल क्लास के 100 करोड़ लोगों ने गोल्ड रख के लोन लिया है, सबकी कमाई समाप्त हो गई है। गोल्ड जो बचा हुआ था घर में, बाप दादा का गोल्ड था या इसने बचा के जो लिया था, वो गोल्ड पे लोन लेके परिवार चलाने की नौबत आ गई है। हम 5 किलो अनाज पर अगर अवलंबित हो गए हैं और हम उसको बोलते होंगे कि हम विकास कर रहे हैं, तो ये विकास मेरे समझ में नहीं आता है। ये डबल इंजन की जहां जहां सरकारें है, जहां नहीं है वहां का ग्रोथ रेट बताता हूँ। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। देश का हाईएस्ट ग्रोथ रेट के जो 6 राज्य है उसमें आंध्र प्रदेश में 11.43% है, राजस्थान में 11.4% है। मैं काकड़े जी, मैं बीच में जरा बता दूं अपने दर्शकों को, जो लोग डबल इंजन का मतलब ना समझे हो, जहां केंद्र में और स्टेट में दोनों की बीजेपी सरकार है दोनों जगह, उसे डबल इंजन कह करके ये कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार होगी तो तरक्की होगी ज्यादा। लेकिन अब डबल इंजन वाले जो स्टेट्स हैं उनकी और जो डबल इंजन नहीं है उनके बीच की बात हो रही है। जी आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। अभी तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, कॉरपोरेशन नहीं बनने दे रहे। क्यों डर लगता है मोदी जी को, दिल्ली कॉरपोरेशन नहीं बनने दे रहे, मारपीट की नौबत ला ली है। वो इसलिए ना कि जितने पाप किए हैं 15-20 सालों में दिल्ली कॉरपोरेशन में रह के बीजेपी के लोगों ने, वो उजागर ना हो जाए। दूसरा क्या कारण है, एक कॉरपोरेशन नहीं सह सकते हो तुम विरोधियों की, और डेमोक्रेसी की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, ये बेकार की बात है। तो आंध्र प्रदेश का ग्रोथ रेट है 11.43, राजस्थान का है 11.4, बिहार का है 10.98, तेलंगाना का है 10.88, दिल्ली का है 10.23 और उड़ीसा का है 10.19। ये 6 राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं है, जहां ग्रोथ रेट ज्यादा हो रहा है। ये ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इनके राज्यों में 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। मुंबई का, महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट थम गया है, बुरी तरीके से ये हो गया है, उसको नीचे आ गया है ग्रोथ रेट। कुल कर्जा 2014 में हमारे ऊपर था 56 लाख करोड़, अभी हो गया 2022 में 139 लाख करोड़। व्यापार का घाटा 135 बिलियन डॉलर था, अभी हो गया 190 बिलियन डॉलर। रुपया हमारा 59 रुपए का था, अभी रुपया पहुंच गया 82 रुपए में। बेरोजगारी उस वक्त थी 2014 में 4.7, आज पहुंच गई 7.8 पर। रसोई गैस 410 रुपए का था और अभी पहुंच गया 1053 रुपए का। ये हमारा ग्रोथ है, ये हमारी बढ़ोतरी है।
और हम कानून व्यवस्था में कुणाल कामरा ने साली सवाल पूछा था अर्णब गोस्वामी से, तो उसको एक साल के लिए इंडिया एयर इंडिया ने पाबंदी लगाई थी। और ये उच्च कुलीन संस्कृति वाले लोग जो है शंकर मिश्रा, किसी महिला पर एयरपोर्ट पे उस पे फ्लाइट में पेशाब कर देता है और उसको एक महीने की मात्र पाबंदी होती हो। भला है जो अमेरिकन कंपनी में नौकरी करता था, उस अमेरिकन कंपनी ने उसको नौकरी से निकाल दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने बेल दे दी उसको। ये कानून व्यवस्था है, ये आर्थिक व्यवस्था है और ये सामाजिक व्यवस्था है, कहाँ जा रहा है देश आप देख लीजिए। अच्छा काकड़े जी एक बात बताइए कि अभी जो राहुल गांधी की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके साथ उम्मीदें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कई नेताओं ने राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी अप्रिशिएट किया है। नीतीश कुमार ने, शरद पवार जी ने, खुद शिवसेना के संजय राउत ने और कई लोगों ने भी। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से लोगों की तरफ से इस भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो यात्रा, इस पर इससे कितनी उम्मीद है आपको? देखो उम्मीद, विरोध का स्वर तो उठना चाहिए था, 8 साल में विरोध का स्वर ही नहीं उठने दिया, सबको दबाने का काम किया, सबको ईडी बीडी सीडी के इसमें उन्होंने दबा के रखने का काम किया, डराने का काम किया, उनको लगा कि सबको भयभीत करने से काम चल जाएगा, मगर राहुल गांधी उठ के खड़े हुए और चलने लग गए सड़क पर, तो लोगों का एक उम्मीद जगी कि नहीं इनका विरोध किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है, विरोध का स्वर करने वाला कोई आदमी चाहिए जो विरोध करे, इन्होंने विरोध का स्वर मुखर किया तो सबको अपेक्षाएं होगी कि विरोध किया जा सकता है। मोदी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको विरोध भी नहीं किया जा सकता और जिसको डिफीट भी नहीं किया जा सकता। इस देश में इंदिरा जी से लेके हर एक को हराया है जनता ने, जनता तय करेगी किसको जीतना है किसको हारना नहीं है, ये जनता तय करेगी। मगर जिनको दम्भ हो गया है कि हम हैं तो सब कुछ होगा, आप बताइए विज्ञान कांग्रेस में कोई रंगोली की स्पर्धा निकालता है, बोलता है इससे संकट दूर हो जाते हैं, कोई बोलता है कि हमको हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करना चाहिए, सारी विपदाएं टल जाएगी। अरे ये कौन सा विज्ञान है भाई, ये किस तरीके का विज्ञान आप बता रहे हो? आपका एक मुख्यमंत्री बोलता है कि इंटरनेट हमने उस वक्त खोज लिया था महाभारत के जमाने में, कोई कहता है कि हमने गणपति का जो सर उसमें लगा दिया था, हाथी का सर लगा दिया था, उस वक्त हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी होती थी। ये सारी मूर्खता का चहल पहल है और ये मूर्खता की चहल पहल में देश का सर्वनाश हो रहा है। आपको पता है सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ, यूनिवर्सिटी को यहाँ आमंत्रित कर लिया है, देश की यूनिवर्सिटी वैसे भी पहले 100 में नहीं है, अब फॉरेन यूनिवर्सिटी आ जाएगी, पैसे वालों के बच्चे पढ़ेंगे मगर गरीबों के बच्चों को कहीं कोई ये नहीं होगा, चारा नहीं होगा, कहीं कोई पूछेगा नहीं। सर थ्री स्टेज जो इकोनॉमी हो गई है, 90% लोगों के बच्चे 10वीं से पढ़ नहीं सकेंगे, 10वीं से ऊपर पढ़ेंगे नहीं, सारे कुली कबाड़ी बनाने का जो काम हमने शुरू किया है नरेंद्र मोदी उस पे कील ठोक रहे। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटियों की कहानी है ना, ये कहानी हमारे यहाँ भारत में ये नहीं है, इससे पहले हमने मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों में देख लिया है। वहां जो यूनिवर्सिटी आमतौर पर आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको बेरूत में मिलेगी, सऊदी अरब में मिलेगी, कई मुल्कों में, मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी ला करके बसाने का मतलब यह है कि उनके लिए गुलाम तैयार होते हैं, साइकोलॉजिकली उनको अपना बड़ा मानते हैं। इसी वजह से इन सारे मुल्कों के जो जो सरकारों में लोग बैठे हुए हैं, हालांकि वो बादशाह हैं या उसी तरह के सिस्टम है, लेकिन उन्हीं की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उन्हीं के गुलाम हो जाते हैं। मैं तो विदेशी यूनिवर्सिटियों को आने को उस गुलामी की प्रक्रिया का हिस्सा मानता हूं, आपको क्या लगता है? सर गुलामी की प्रक्रिया हमारी कब से शुरू हो गई है, जब से ये सरकारों ने ग्लोबल इकोनॉमी और वो कर दिया, सर विश्व गुरु गन्ना है हमको और हमारे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते, अमेरिकनों को आके बोलते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, ब्रिटेन वालों को बोलते हमारे बच्चों को पढ़ाओ, कैसे विश्वगुरु बनेंगे, कौन से विश्वगुरु का तमगा लेके आप घूम रहे हो? ये सब मूर्खता वाली बात है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि चारों तरफ मूर्खता की चहल पहल चल रही है। हमारा ना तो एजुकेशन सिस्टम हमारा रहेगा, ना हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ना स्वास्थ्य उनका ठीक कर सकेंगे, ना नौकरी दे सकेंगे, ना रोजगार दे सकेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे?
महामार्ग से मैं अभी सफर कर रहा हूँ, मार्ग अधूरा है और अधूरे मार्ग में टोल टैक्स लिया जा रहा है, भरमार टोल टैक्स लिया जा रहा है। आपकी थोड़ी सी भी स्पीड अगर बढ़ गई तो आपके ऊपर चालान आना शुरू हो गया है। इसमें सुविधा कुछ नहीं है, रास्ते पर सुविधा नहीं है, मगर उगाही शुरू हो गई। ये हर रास्ते से जनता के जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपनी अय्याशी के लिए पैसा चाहिए, उनको अपने ऊपर लुटाने के लिए पैसा चाहिए, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। विश्व गुरु की बात आपने कही, मैं आपको बताऊं, अब से कुछ पहले साल तक, अब से कुछ सालों तक से पहले बाकायदा आपको इंग्लैंड में भारत के लोग ग्रामर पढ़ाते हुए नजर आते थे, आपको अमेरिका में आईटी के लोग, अब भी जो सीईओ वगैरह जो भारत के जाकर के बने हुए हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर के भारत के लोग पढ़ाते थे। अब जब पढ़ाई को ही यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा तो कहें का विश्व गुरु किसको पढ़ाएंगे, खुद नहीं जब पढ़ेंगे तो कैसे। तो अब ये जो विदेशी यूनिवर्सिटियों का खेल है, इसमें फीस भी खूब जाएगी और बच्चा दूसरों का गुलाम पैदा होगा, और वो जैसे ही बड़ा होगा वो कहेगा मैं तो अमेरिका में जाकर के बसूंगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। अपने अपने देश से प्यार, अपने देश के साथ नेशनलिज्म जो एक होती है, राष्ट्रीयता की भावना, वो भी खत्म होगी। आप आगे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कोई सियासी रास्ता आपको लगता है इस सबसे बचने का कोई रास्ता है? सर, ये बदहाली को जब तक जनता तक नहीं पहुंचाओगे और जनता नहीं समझेगी कि हमारे दुर्दशा के तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमको भविष्य में कुछ नहीं मिलने वाला, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। भीख मांगने की नौबत आएगी, 5 किलो अनाज पर गुजारा करना पड़ेगा, उसमें डालने के लिए तेल और नमक भी हमको नहीं मिलेगा। ये जब तक नहीं समझा सकते आप जनता को, जब तक ये राज करते रहेंगे, ये धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से, ये अलग अलग नाम से जनता को बरगलाने का काम करते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और ये मूर्खता की चहल पहल है। हमारे देश में रोज नए मुद्दे आते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे आते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे आते हैं। अब आप बताइए, अमित शाह जाके मंदिर का 1 जनवरी को उद्घाटन कर देंगे, क्या जनता उसमें घंटा बजाने का काम करेगी, क्या करेगी? क्या होगा जब शिक्षा संस्था नहीं बचेंगे तो मंदिरों में क्या कर लेंगे हम, मस्जिदों में क्या कर लेंगे हम? वो कहते हैं राहुल जी आप कान खोल के सुन लो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि अभी हम जनवरी 2023 में हैं, इस पूरे साल के लिए एक कोई मुद्दा दे दिया गया, इससे खुश रहे और फिर 2024 का इलेक्शन इसी पर लड़े, क्या है? अभी जो यात्रा चल रही है उस यात्रा में राहुल गांधी रोजगार पर बात कर रहे हैं, इसमें स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, उसमें देश पर जो अतिक्रमण चाइना ने किया उस पर बात कर रहे हैं, ये मंदिर पर बात कर रहे हैं। 100 साल हो गए इनको मंदिर मस्जिद से आगे, हिंदू मुसलमान से आगे कुछ समझ में नहीं आता। अब ये जनता भी समझने लग गई है, इनको सबक सिखाएगी 2024 में, जनता इनको सबक सिखाएगी। ये ना समझे कि हम अमर पट्टा लेकर आए हैं, हम जिंदगी भर के लिए सत्ता के पास आए हैं। ये डेमोक्रेसी है, जनता को सत्ता बदलने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है और जनता उसको बदल के मानेगी। अच्छा, अभी आप जनता को क्या सजेस्ट करेंगे? अभी ये एक अभी पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट आया था सरकार की तरफ से कि 2023 दिसंबर तक, यानी पूरे साल 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता रहेगा, यानी 130 या 135 करोड़ जितनी भी हम अपनी जनसंख्या माने, उसमें से 81 करोड़ को इतना मजबूर कर दिया गया कि 5 किलो अनाज का सरकार से इंतजार करें। अब आगे क्या क्या कुछ है, किस तरह से इनको, मतलब लोगों को भूखा रख करके सिर्फ वोट देने की मशीन ही बना दिया गया क्या? देखो, मोदी जी वोट इलेक्शन जिताने की मशीन है, आरएसएस ने मोदी नाम के एक आदमी को इलेक्शन जिताने की मशीन बना दिया। उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है, उनको प्रशासन नहीं आता है, अर्थव्यवस्था नहीं समझ में आती है, कानून व्यवस्था नहीं समझ में आती है। कानून वालों ने नोटबंदी को क्लीन चिट दे दी, प्लेगासिस को क्लीन चिट दे दी है, अब राफेल को क्लीन चिट देने का बात बच गई है। जब पॉलिटिकल पार्टियां क्लीन चिट दे रही थी, अब तो न्यायालय भी क्लीन चिट देने लग गया और वो जज जो है वो पुरस्कार पा लेते हैं। तो ये देश की दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है। ये खाली बच्चों को समझ में आ जाए,
ये हमारे देश के युवाओं को समझ में आ जाए कि इससे देश नहीं चलने वाला, हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। जिस दिन समझ में आएगा ये कोई सरकार नहीं बचेगी, कोई सत्ता नहीं बचेगी, ना कोई मोदी बचेगा। अच्छा, बाकी जो जो विपक्षी दल हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अहम टाइम है। इस साल 2023 में 10 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन होने हैं, 2024 में लोकसभा होना है, लोकसभा इलेक्शन। अब जो ये विपक्षी दल हैं उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, अगर आपसे कोई मशवरा पूछे तो आप क्या बताएंगे? जनता कंफ्यूज ना हो, उनको हराने के लिए किसको वोट दे उसके लिए कॉमन मिनिमम चेहरा ये सारी पार्टियां बैठ के खड़ा करे। अगर ये नहीं करेंगे तो इनका दोष होगा। जनता चाहती है परिवर्तन हो, मगर परिवर्तन का वोट अगर बिखर गया तो फिर से ये आके बैठेंगे और जो बचा हुआ हिंदुस्तान है उसको बेच देंगे। इसलिए विरोधी पार्टियों की जिम्मेवारी है कि सशक्त हर जगह में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर प्रदेश में एक सशस्त्र चेहरे का उसको माने वो चेहरा जनता के सामने करे और बोले कि हाँ ये करेगा। क्योंकि मोदी के बाद इनके पास में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। ये जो सवाल विपक्षियों से करते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, मैं यही बीजेपी से पूछता हूँ कि मोदी नहीं तो कौन, वो करेगा देश का नेतृत्व? ये हमारे यहाँ के तरबूज छाप करेंगे मुख्यमंत्री जी? वो तैयारी तो उनकी वही है, कोई नहीं है। बीजेपी के पास नेता नहीं है, जो सर्वमान्य नेता होगा ऐसा नेता बीजेपी के पास नहीं है। वोट जिताने के, वोट डलवाने की और इलेक्शन जिताने की मशीन जिस तरीके से मोदी बने हुए है, मोदी जी से अच्छा चेहरा या मोदी के समकक्ष चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, विरोधियों के पास तो 50 विकल्प है। अच्छा, राहुल गांधी जो रास्ता दिखा रहे हैं, राहुल गांधी ने अभी तक ये कोई इशारा नहीं दिया कि वो खुद प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, और ना ही उन्होंने अपने किसी पार्टी के किसी दूसरे नेता को इस तरह से आगे बढ़ाया है। आपको क्या लगता है राहुल जी के दिमाग में क्या कुछ कहानी है, क्या क्या हल है? जो कुछ अब तक दिखा रहे वो रास्ता ढूंढ रहे, और रास्ता ढूंढते ढूंढते लोगों ने उनको बताया कि हाँ यही रास्ता है, विरोध का रास्ता है, इस पे आप आगे चलिए, हम आपके साथ रहेंगे, बाकी पार्टियां भी साथ में रहेगी, सबको लेके साथ में चलना पड़ेगा। खाली राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के लिए राजनीति होनी चाहिए, समाज के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए राजनीति होनी चाहिए, धर्म के लिए राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमसे बड़ा है सर, भगवान हमारी रक्षा करेगा, राम हमारी रक्षा करेगा। हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम राम की रक्षा कर ले, मुसलमानों की हैसियत नहीं है कि अल्लाह की रक्षा कर ले, अल्लाह हमारी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा, हम उसकी रक्षा करने की हैसियत नहीं रखते। और ये उल्टी गंगा बहाते हैं, ये हमको बोलते हैं कि राम की रक्षा करना है, ये उल्टी गंगा से जनता को बचना होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उल्टी गंगा से जनता को बचना होगा ये समझने की बात है। मैं इसलिए इस वक्त खत्म कर रहा हूँ कि जहां आप बैठे हैं अभी पीछे लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं, शाम का टाइम है और लंबी बात नहीं कर सकते क्योंकि रोशनी की का इशू होगा और आपको भी सफर आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, हमें समय दिया आपने। आप हमेशा तैयार रहते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, सफर के बीच में भी टाइम निकाल लेते हैं, और आपके देखने वाले भी आपको बहुत पसंद करते हैं। हमें बहुत से लोग पर्सनली भी जब मिलते हैं तो अविनाश काकड़े जी का नाम जरूर लेते हैं कि उनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।